मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर रागिनी सिंह। दोस्तों, केंद्र में भाजपा सरकार के शपथ लेने के बाद अभी एक नया वीडियो आया है जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उसको देखने के बाद आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि नेताजी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष संविधान को मानते हैं। इनके पूरे भाषण में राजनीति के किसी विषय को नहीं छुआ गया है। ऐसा लगता है जैसे मस्जिद का कोई इमाम तकरीर कर रहा है। ये ना राजनेता है, ना ये इस्लाम है, यह एक राजनीतिक इस्लाम है। इसको समझने की जरूरत है। कृपया वीडियो को देखकर विचार रखिएगा। मेरे सीने में कुरान है, मैं मुसलमान हूँ, मेरी पहचान रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी है। कैसे समझाऊं मैं तुमको? अगर तुम बोलो तो मैं अपना सर काट कर तुम्हारे छदमे में रख दूं, तुम अगर कहो तो कलेजा चीर कर तुमको दे दूं। कैसे तुमको समझाऊं कि हम हैदराबाद की सरजमीन पर ठोकरे खाकर लुट कर पिट कर बर्बाद होकर एक ताकत बने। खाकर खून के दरियाओं से हमारे बुजुर्गों को गुजरना पड़ा। हम जानते हैं इस खेल को, हम जानते हैं इनकी साजिशों को। नौजवानों, अपने साथ अपने दलित भाइयों को साथ लो, दलितों को साथ लो। देखो, महाराष्ट्र में अंबेडकर को हमने साथ लिया, हमारे बड़े भाई को अल्लाह ने एक कामयाबी संघ हम किनार किया। इनको साथ लेना है। आज जोड़कर कह रहा हूँ, आप यकीनन बड़े काबिल होंगे, मगर हमको दुनिया के तमाम इल्म और फुनून की काबिलियत तो नहीं है, मगर हमने सालार से थोड़ी सियासत सीखी है। हमने अपने मरहूम खायद से उनके पैरों के पास बैठकर सियासत सीखी है। और मरहूम खायद का वो जुमला हम तमाम मजलिसियों के लिए काफी है कि मरहूम खायद कहते थे कि हम हवाओं को सुनकर नहीं कहते कि बारिश होने वाली है, हम महसूस करके कहते हैं कि बारिश होने वाली। ये हम पर छोड़ो, आप हमारे बड़े हो सकते, हम पर छोड़ो, कभी तो भरोसा करो हम पर। अरे हम तो दिन रात लगे रहे ना, यकीनन मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं इस मुबारक जगह से खड़े होकर कह रहा हूं कि मेरे महबूब कायद को इस दुनिया से जाकर 11 साल हो चुके हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी है, बोझ है, नहीं मालूम ये जिम्मेदारी मैं कब तक उठा पाऊंगा। मैंने हर जगह को गया, हिंदुस्तान के कोने कोने में गया, हालत रोजा में कह रहा हूं कि इल्जाम लगाने वालों की इल्जाम का मैंने उसको परवाह नहीं की। क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए? आज बताओ वो इल्जाम कहां गए? किसकी वजह से हिंदुस्तान में 300 MP कामयाब हो? मैं जिम्मेदार हूं? कौन जिम्मेदार है बताओ? किसने इलेक्शन लड़के हार गए? कब तक तुम सेकुलरिज्म के नाम पर गुलामी करते रहोगे? तुम कब तक सेकुलरिज्म के झूठे दावों पर हमको ठगते रहोगे? अब मैं थक चुका हूं, ये जिम्मेदारी मैं नहीं उठाऊंगा, ये जिम्मेदारी मैं नहीं उठाऊंगा। दुनिया मुझे कुछ भी कह ले, मुझे उसकी परवाह नहीं है। हिंदुस्तान का आईन मेरे लिए काफी है। मेरे सीने में कुरान है, मैं मुसलमान हूं, मेरी पहचान रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी है। मैं लड़ूंगा, मैं अब खुलकर मुकाबला करूंगा। अब मुझ पर तो कोई जिम्मेदारी नहीं डाल सकता। हम लड़े औरंगाबाद की मुबारक सरजमीन और या अल्लाह की सरजमीन पर हमको कामयाबी मिली। बिहार में हमने 3 लाख वोट हासिल किए, वहां पर भी मित्रों कामयाब नहीं हुए। मेरे भाई अब तो समझो, कैसे समझाऊं मैं तुमको? अगर तुम बोलो तो मैं अपना सर काट कर तुम्हारे छदमे में रख दूं, तुम अगर कहो तो कलेजा चीर कर तुमको दे दूं। कैसे तुमको समझाऊं कि हम
हैदराबाद की सरजमीन पर ठोकरे खाकर लुटकर पिटकर बर्बाद होकर एक ताकत बने। गाकर खून के दरियाओं से हमारे बुजुर्गों को गुजरना पड़ा। हम जानते हैं इस खेल को, हम जानते हैं इनकी साजिशों को। समझो आप अब तो उठो। हिंदुस्तान का आईन आपको इजाजत देता है कि आप अपनी ताकत को बनाए। मुझे भरोसा हिंदुस्तान के आईन पर है। मेरी लड़ाई हुकूक की है, वो आईन की लड़ाई है और आईन मुझे इस बात की इजाजत देता है। और अगर कोई ये समझ रहा है कि हिंदुस्तान के वजीर आजम 300 सीट जीत कर हिंदुस्तान पर मनमानी करेंगे, नहीं हो सकता, नहीं हो सकेगा। हिंदुस्तान के वजीर आजम से हम कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन असदुद्दीन ओवैसी उसका हवाला देकर आपसे लड़ेगा, मजलूमों के इंसाफ के लिए लड़ेगा, जुल्म के खात्मे के लिए लड़ेगा, हुकूक को हासिल करने की लड़ाई हम लड़ेंगे। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह ताला हम हिंदुस्तान के संविधान की हिफाजत करेंगे, दस्तूर की बालादस्ती की बात करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मतों को बुलंद रखो। नौजवानों, अपने साथ अपने दलित भाइयों को साथ लो, दलितों को साथ लो। देखो महाराष्ट्र में अंबेडकर को हमने साथ लिया, हमारे बड़े भाई को अल्लाह ने एक कामयाबी संगम किनार किया। इनको साथ लेना है, डरने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का आईन अभी भी जिंदा है, हिंदुस्तान के आईन को शिकस्त नहीं हुई है। दोस्तों ऐसा ही गठबंधन दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया था। दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल की क्या दशा हुई थी ये सारी दुनिया जानती है।